कुरुक्षेत्र में जीडी रोड जाम कर चुके हैं किसान और किसानों के जीडी रोड जाम करने के साथ ही किसानों के लिए पीठे पानी की छबीले और भंडारे लगा दिए गए हैं। देखिए भंडारा यहाँ चल रहा है, भंडारा जो किसान आए हुए उनके लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। बकायदा छोले चावल पनीर आलू सभी सब्जियां बनाई गई है और भंडारे में जो दिया जा रहा है, किसान आंदोलन में जो किसान आए हुए हैं उनके लिए भंडारा लगाया गया है। भंडारा कहाँ से आया, कैसे आया, बात करेंगे। सत श्रीकाल अपू जी, भंडारा गुरुद्वारा साहब कितों आया सर? हाँ जी, अंबाला मरते साहब से आया जी लंगर। ये कुछ नहीं पता कहाँ जाए जब तक सरकार नहीं मानेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। पहले भी देखा सरकार ने भी, तुमने भी देखा, 13 महीने बैठे कहा का नया काम है हमारा सड़क बनाने का ही काम हो रहा है। भंडारा गुरु का भंडारा, गुरु का प्रसाद है, चलता रहेगा जब तक यहाँ चलता रहेगा। आपके लिए कहा गया कितने दिन तक, कहा गया आपको कितने दिन देना है, क्या कुछ कितने? ये तो जब तक ये सरकार नहीं मानेगी तब तक भंडारा भी चलेगा, धरना भी चलेगा। धरना यही चलेगा, आगे कुछ बताएगा आपको दिल्ली तक जा सकते हैं? ये तो रहने से संयुक्त मोर्चे का ऑर्डर होगा, वैसे संयुक्त मोर्चे का बांध पे चलेगा। हम तो सेवा के लिए कितने प्रसाद ले गए, कितने लोगों के लिए प्रसाद लाए आज? यो कम से कम 15-20 हजार बनते का लग रहा है। ये गुरुद्वारा साहब से है हमारा, से 20 हजार से ज्यादा लोगों के लिए प्रसाद लेकर आए। इनको कहना है की आगे भी काम चलता रहेगा, इसी तरह प्रसादा मिलता रहेगा। आपको ट्रॉली दिखाएंगे, ट्रॉली है जिस तरह किसान आंदोलन में ट्रॉली थी, इस तरह की ट्रॉली बनाई गई है। और यहाँ पर बकायदा गद्दे लगाएंगे, गद्दे लगाकर यहाँ पर ट्रॉली बनाई गई है और लंबा प्रॉन दिखता है। भाई जी सत श्रीकाल। देखिए किसान अंदर गद्दे लगे हुए हैं, बकायदा गद्दे विषय, अगर आंदोलन लंबा चलेगा तो निश्चित रूप से लड़ाई लंबी चल सकती है। किसानों से बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या हाल है? और सर ये तो वही दिल्ली वाला सीन दोबारा दिखाई देते, दिल्ली जैसा माहौल होता जा रहा है। देखो माहौल तो प्रशासन पर निर्भर करता है, हम तो हलकरवाने आए शांतिपूर्वक ढंग से, हम कोई इसलिए नहीं आए कि भाई हम हमेशा के लिए रोके, तो वो तरीके से बातचीत करें कोई बड़ी बात भी नहीं है। उन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन लागू कर दें और गुरनाम सिंह जी को गिरफ्तार किसानों को छोड़ दें। देखिए किसान है ये बैठे हैं धरने पर, उनका कहना है बैठे रहेंगे तब तक जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और निश्चित रूप से भंडारा चल रहा है, यहाँ पर रोड जाम कर दिया गया है, हर तरफ अब किसानों का जलवा दिखाई दे रहा है। किसानों का झंडा, किसानों का डंडा और किसानों के गुरु के भंडारे। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है? भंडारा शुरू हो गया गुरु जी का? बिल्कुल जी, वही दिल्ली की तरह भंडारे चल पड़े हैं और लंगर शुरू हो चुका है। अब मैटिंग हो जाएगी और यहाँ पर टेंट लग जाएंगे। आज आपके सामने है वहाँ साहब, आज जब हमारे किसान MSP मांग रहे थे तो वहाँ किसानों की संख्या कम देख कर लाठियों से पिटा गया। आज भी वही किसान और जीट रोड पे रोक के बैठे हैं, तो जिला प्रशासन जो दिल्ली में हुआ था कुरुक्षेत्र में करेंगे। बिल्कुल जी, अपनी MSP के लिए इस जो पीपड़ी में आज हमारी माँ पंचायत थी, इसको पूरे देश में लेके जाएंगे इस आंदोलन को। तंबू दिल्ली कुरुक्षेत्र में लेंगे तंबू? हाँ बिल्कुल जी, पीपड़ी यहीं पे जहाँ पे किसानों को जी DC के SP के द्वारा किसानों को पिटे गए, हमारा मोर्चा पीपड़ी में लगेगा और वो शुरू हो चुका है। देखिए बड़ी खबर है आप सबके लिए, जो मोर्चा दिल्ली लगा था जिस तरह पिछले साल 2 साल पहले, वही मोर्चा कुरुक्षेत्र में लगेगा पीपड़ी में। किसानों का कहना है कि जिस तरह जिस जिले में किसानों को पीटा गया, जिस DC SP के द्वारा पीटा गया था, उसी जिले में पक्का मोर्चा लगाया जाएगा।